हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोसी स्टडी पर। दोस्तों, बिहार डीएलएड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, जैसे कि प्रक्रिया कब से शुरू हुआ, यानी कि एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और एडमिशन कब से शुरू होगा, मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें घंटी बजा करके। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि दोस्तों अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि महत्वपूर्ण तारीख है, जैसे कि आवेदन करने का तारीख 16 मई से स्टार्ट हुआ था और मेधा सूची जो इसका तैयार किया गया 27 मई को, और ये जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने का तारीख 30 मई को था और जारी कर भी दिया गया। मेरिट लिस्ट पर ऑब्जेक्शन लगाने का जो है आखिरी तारीख था वो 8 जून तक था। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने का 14 जून जो आ रही है दो रोज के बाद, ये 14 जून को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। इस मेरिट लिस्ट में उतना स्टूडेंट का नाम आएगा जितना सीट होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में। 30 मई यहाँ पर देख सकते हैं, 30 मई 2019 बिहार एजुकेशन बोर्ड द्वारा किए गए नोटिस के अनुसार बिहार डीएलएड सेशन 19-21 के मेरिट लिस्ट आज यानी दिनांक 30 मई को जारी की जाएगी, यानी कि 30 मई को जारी कर दिया गया है आधिकारिक वेबसाइट पर। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मेन वेबसाइट पर जा करके अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों बता दें कि डीएलएड कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले उम्मीदवार का मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट 14 जून को जारी होने वाला है, तो इसका भी हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ही लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, नोटिस दिनांक 18 जून को जारी की जा सकती है। 14 जून का समय है, 18 जून यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जो फाइनल नोटिस आया था उससे पहले उस पर 14 जून है। जुड़ी जानकारियाँ जो भी है एडमिशन से संबंधित नोटिस के माध्यम से जारी करने वाली है। नोटिस आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट का मेन वेबसाइट है। तो नोटिस जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवार को ईमेल के माध्यम से या फिर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन होंगे। इसके साथ ही ये देख पा रहे हैं आप, नैतिक जारी होने की सूचना फोन के माध्यम से भी दी जा सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि नोटिस जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवार एडमिशन ले पाएंगे जो फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। इस एडमिशन की प्रक्रिया 19 जून से शुरू हो जाएगी, यानी कि जस्ट एक दिन के बाद या फिर 4 रोज के बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 24 जून तक एडमिशन ले सकेंगे, यानी कि 19 जून से स्टार्ट होगा एडमिशन की प्रक्रिया, 19 जून से स्टार्ट होगा और 24 जून तक एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी। और एडमिशन के समय उम्मीदवार को यहाँ पर देख सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट जमा करना आवश्यक हुआ। तो अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, चलिए इस पर भी हम लोग विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। एडमिशन के समय कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना आवश्यक होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीए बीएससी भी करते हैं, साथ में बिहार डीएलएड भी करते हैं। तो दोस्तों बता दें आपको कि इस तरह से आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यदि आप मान लीजिए ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है उसके बाद आप डीएलएड का यूज कीजिएगा तो दोनों एक साथ आप यूज नहीं कर पाइएगा, इसमें आपको ही हानि होगा, क्योंकि आप माध्यमिक में नहीं जा सकते हैं। इसके बाद ये सीमित रह जाएगा 1-5 के लिए ही। तो बेहतर होगा कि आप जो है बीए बीएससी में नामांकन रद्द करवा लें, उसके बाद इधर एडमिशन लें। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आपको क्या सब, तो 10वां का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, माइग्रेशन लगेगा। जो माइग्रेशन आप यदि 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं तो माइग्रेशन तो आपके यहाँ से निकल गया, तो एडमिशन जब रद्द करवाइएगा तो वहाँ पर आपको माइग्रेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो माइग्रेशन मिलेगा उससे आप एडमिशन में लगा सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी से जब माइग्रेशन निकालेगा तो सारा डॉक्यूमेंट आपको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सीएलसी, जितना भी होता है सारा कागजात आपको यूनिवर्सिटी द्वारा मिल जाएगा, और कुछ डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज द्वारा भी मिल जाएगा। वैध आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड हो जाएगा, आपको फोटो लग जाएगा, जन्म तारीख का प्रमाण पत्र, जैसे कि आप इसके संबंध में आधार कार्ड भी दे सकते हैं, या नहीं तो मार्कशीट पर भी जन्म तारीख डेट ऑफ बर्थ रहता है। एडमिशन फीस जमा करने का रसीद जो होगा वो आप जरूर लेकर के जाएं। इसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है कब से होगी या फिर इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है।
तो एडमिशन लेने के बाद जो सीट की संख्या को ध्यान में रखा जाएगा उसी आधार पर काउंसलिंग आयोजित की जाए। जैसे 200 सीट है अगर मान ली सासाराम से, तो 200 सीट के लिए ही मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया में केवल वेटिंग लिस्ट में शामिल जो उम्मीदवार है वही शामिल हो सकते हैं। जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है वही फाइनल लिस्ट में भी नाम आएगा। काउंसलिंग की तारीख घोषित कर दी गई है, तो अब ये तारीख आखिर क्या है देख लेते हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया 2 दिनों तक चलेगी। कॉमर्स और आर्ट्स विषयों की काउंसलिंग दिनांक जो है 25 जून को काउंसलिंग की जाएगी। किसका? तो कॉमर्स और आर्ट्स पेपर का काउंसलिंग 25 जून को आयोजित की जाने वाली है। साइंस विषय की काउंसलिंग 26 जून को किया जाएगा, यानी कि 25 को आर्ट्स और कॉमर्स का और साइंस का जो है 26 जून को काउंसलिंग किया जाएगा। बता दें कि काउंसलिंग केवल ऑफलाइन के माध्यम से होने वाली है। तो जैसे कि आईटीआई का जो काउंसलिंग होगा इस बार वह ऑनलाइन होगा, और यहां पर बिहार डीएलएड का काउंसलिंग आपको ऑफलाइन के माध्यम से आयोजित होने वाली है। काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उम्मीदवार डीएलएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की तारीख भी घोषित कर दी गई है। एडमिशन की तारीख 27 जून से होगी और काउंसलिंग का 26 जून 25 जून को होगी, और यह एडमिशन का 27 जून को, और उम्मीदवार 4 जुलाई तक जो है एडमिशन ले सकेंगे। 27 जून से लेकर के 4 जुलाई तक। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी सटीक लग रही हो, तो आप कंफर्म हो जाइए कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये प्रक्रिया आपको अपनाना है। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सपोर्ट कीजिए घंटी को बजा करके। आगे बढ़ते हैं इसमें 5 जुलाई, इसमें एडमिशन की प्रक्रिया 5 जुलाई को बंद कर दी जाएगी। यहाँ पर यह साफ साफ 4 जुलाई तक चलेगी, 5 को बंद कर दी जाएगी। 5 जुलाई से क्लास भी हो सके तो स्टार्ट भी शुरू कर दी जाएंगी। इतना फास्ट सब चीज़, लेकिन उम्मीद नहीं लग रहा है कि बिहार बोर्ड द्वारा या फिर बिहार में इतना सब कुछ फास्ट हो सकता है। और अधिक जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं तो educationbihar.gov.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।